हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने फेज रूल के अंतर्गत लिक्विड लिक्विड मिक्सचर आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा था। आइडियल सॉल्यूशन क्या है कि जिनमें सब कोहेसिव फोर्सेस का मान समान होता है और कोहेसिव फोर्सेस जो सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्वेंट सॉल्यूट के बीच में जो फोर्सेस हैं ये सभी तरफ से समान होंगे तो वो सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन होंगे। अगर इनका मान डिफरेंट होगा तो ये सॉल्यूशंस क्या होंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएंगे। सपोज वो सॉल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट हैं ए और बी, और इनके बीच जो इंटरेक्शन है ए ए के बीच और बी बी के बीच में डिफरेंट है, और इंटरेक्शन बिटवीन जो है ए और बी के बीच के अलावा इनका मान क्या है, अलग है। तो ऐसे सॉल्यूशंस क्या कहलाता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कहलाते हैं। यानी प्योर कंपोनेंट और सॉल्यूशन के बीच में जो कोहेसिव फोर्सेस का मान है वो डिफरेंट है तो ऐसे सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं या अनादर्श विलयन कहलाते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा था कि आइडियल सॉल्यूशन है वो रॉल्स नियम का पालन करते हैं, तो जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होंगे वो रॉल्स नियम से क्या डेविएशन या विचलन को दिखाते हैं। तब हम पढ़ेंगे कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस है वो रॉल्स नियम से किस प्रकार विचलन को दिखाते हैं। जो पॉजिटिव जो डेविएशन है यानी रॉल्स नियम से पॉजिटिव डेविएशंस को दिखाते हैं उसको और हम पहले डिस्कस करेंगे। यदि कोहेसिव फोर्सेस जो ए और बी के बीच है वो प्योर लिक्विड ए ए और बी बी के बीच से कम है, मतलब कोहेसिव फोर्सेस का मान जो है ए और बी का जो कोहेसिव फोर्सेस है उनका मान जो है प्योर लिक्विड ए ए और बी बी के तुलना में कम है, तो ऐसे लिक्विड्स क्या करते हैं, आइडियल आइडियल जो सॉल्यूशन है उससे पॉजिटिव डेविएशन को शो करते हैं। इससे हम इसको समझ सकते हैं पी ए इज इक्वल टू ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए। जैसे हमने पहले ही पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि जो वो मान है इनका आइडियल सॉल्यूशंस वह सॉल्यूशन या रॉल्स नियम ये नियम है कि उसमें जो प्रेशर है विलयन का वह किसी कंपोनेंट के प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन के गुणनफल के बराबर होता है। क्योंकि यहाँ ये नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं तो इनमें जो है जो प्योर कंपोनेंट है उसका प्रेशर है वो जो क्या है इनसे ज़्यादा है, पी नॉट ए एंड एक्स ए के बराबर। यह हम कह सकते हैं पी बी इज ग्रेटर देन क्या है पी नॉट बी एक्स बी। ऐसे जो सॉल्यूशंस हैं इसमें एस्केपिंग टेंडेंसी जो है कंपोनेंट्स की वह क्या है इंडिविजुअल प्योर कंपोनेंट की तुलना में ज़्यादा होती है। यानी जो दोनों का मिक्सचर है ए बी का उसकी जो एस्केपिंग टेंडेंसी है यानी वेपर प्रेशर का मान जो है प्योर कंपोनेंट की तुलना में ज़्यादा होता है, इसलिए वेपर सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो क्या होता है ज़्यादा होता है। और ऐसे सॉल्यूशन जो कि पॉजिटिव डिविशंस को शो करते हैं इसके एग्जांपल्स हैं इथेनॉल एंड वाटर एंड ईथर एंड एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड मिथेनॉल, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड इथेनॉल, साइक्लोहेक्सेन एंड इथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन एंड मिथेनॉल। ये सभी तरह के जो मैंने एग्जांपल्स बताए हैं ये सभी जो है आइडियल सॉल्यूशन से क्या है पॉजिटिव डेविएशन को या रोल्स नेम्स के पॉजिटिव डेविएशन को शो करते हैं। इसको हम इस फिगर द्वारा समझ सकते हैं। फिगर 4.15 आप देख रहे हैं कि जो डॉटेड लाइन है जो डॉटेड लाइन है ये इसमें दिख रही है आपको, डॉटेड लाइन एग्जिबिट द वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, वेयर इज द डार्क लाइन शोज द वेपर प्रेशर ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, डार्क लाइन जो है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को प्रदर्शित कर रही है और डॉटेड लाइन है वो आइडियल विलयन का जो है उसकी वेपर प्रेशर को प्रदर्शित करती है। और हमने देखा है कि जो इस तरह से एग्जाम्पल समझ चुके हैं इस फिगर को कि इस वाटर इथेनॉल के इसको हमने एग्जांपल से समझा है फिगर में, इसमें ग्राफ प्लॉट किया वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में, स्टार्टिंग में एक्स
जो दो कंपोनेंट है एक्स ए और बी, स्टार्टिंग में एक्स ए का मान 1 है, बी का मान 0 है, इसमें एक्सट्रीम राइट में एक्स ए का मान 0 हो जाता है, बी का मान 1 हो जाता है, और ये जो लाइन है वो वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल को दिखा रही है, एक लाइन ये वेपर प्रेशर ऑफ वाटर को दिखा रही है, और ये जो ऊपर जो लाइन है ये टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को एग्जिबिट करती है, दिखाती है। अब हम देखते हैं पॉजिटिव जो डेविएशन है उसमें जो है, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि आइडियल सॉल्यूशंस की करेक्टरिस्टिक्स क्या है, कि जब किसी इन्वीलियन को मतलब लिक्विड को दूसरे लिक्विड में मिलाते हैं तो उसके जो जो हीट ऑफ जो जो है चेंज है, हीट सॉल्यूशन क्या है, इसकी हीट एनर्जी है, उसमें कोई भी परिवर्तन डेल्टा एच के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, और उसके वॉल्यूम में भी, यानी प्योर कंपोनेंट को ए और बी का जो वॉल्यूम है उतना ही सॉल्यूशन का वॉल्यूम में बनता है, यानी जो नया सॉल्यूशन बनता है उसमें मिक्स करने के बाद उसमें वॉल्यूम में भी कोई परिवर्तन नहीं आते हैं, तो ऐसे सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या है कि डेल्टा पॉजिटिव जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डिविशन को शो करते हैं उस केस में डेल्टा एच मिक्सचर का मान जो है वो 0 से ज़्यादा होता है, और ऐसे सॉल्यूशन क्या कहलाते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस कहलाता है, जो प्रोसेस है एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और इसमें डेल्टा जो वी है यानी टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो भी इसका मान भी ज़्यादा होता है, तो ऐसे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज मोर देन द सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट, यानी प्योर कंपोनेंट के जो है उनका वॉल्यूम से मिक्सचर का जो सॉल्यूशन है वो ज़्यादा होता है, तो ऐसे सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन को शो करते हैं। बात करेंगे नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ, ये जस्ट इसका अपोजिट होगा कि अगर जो कोहेसिव फोर्सेस है ए और पी के बीच में वो प्योर जो लिक्विड है ए ए बी बी उनसे क्या होता है ज़्यादा होता है, तो ऐसे सॉल्यूशन जो है नेगेटिव डेविएशन आइडियल जो बिहेवियर है उससे नेगेटिव डेविएशन को शो करते हैं, तो इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि पी ए इज लेस देन पी नॉट ए एक्स ए एंड पी बी इज लेस देन पी नॉट पी एक्स पी के बराबर, और ऐसे विलियन उनकी जो एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ कंपोनेंट है जो उसकी है वो प्योर लिक्विड की तुलना में क्या है, इनकी जो है सॉल्यूशन की जो है उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी कम होती है, तो जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर का मान कम होता है प्योर लिक्विड्स के वेपर प्रेशर की तुलना में, तो जो लिक्विड पेयर्स है जो कि नेगेटिव डेविएशन को शो करते हैं उसके एग्जांपल्स हैं क्लोरोफॉर्म एसीटोन, मेथनॉल एसीटोन, पिरिडीन एसिटिक एसिड, वाटर नाइट्रिक एसिड, एसीटोन एनिलिन एक्सेट्रा, ये सभी जो विलयन हैं ये क्या करते हैं नेगेटिव डेविएशन को शो करते हैं, यानी आइडियल बिहेवियर की तुलना में नेगेटिव डेविएशन को शो करते हैं, इसको हम इस तरह से फिगर 4.16 से समझ सकते हैं कि अगर ग्राफ प्लॉट करें हम वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में तो जो लाइन है अगेन डॉटेड लाइन क्या दिखा रही है इसमें आइडियल बिहेवियर को शो करती है, इस तरह से अगर सॉल्यूशन आइडियल होता है या राउल्ट्स नियम को फॉलो करता है तो इस तरह से इसका ग्राफ मिलना चाहिए, पर ऐसे ये सॉल्यूशन क्या करते हैं नेगेटिव डेविएशन को शो करते हैं, तो इसको हमने डार्क लाइन से शो किया है जहाँ ये प्योर ये लाइन जो है ये प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी को शो कर रही है, नीचे लाइन प्योर जो है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर जो कंपोनेंट ए को शो कर रही है, और ये जो लाइन है ये टोटल वेपर प्रेशर ऑफ दी सॉल्यूशन को प्रदर्शित करती है, और फॉर ए नेगेटिव डेविएशन डेल्टा एच जो है वो मिक्सचर का क्या होगा 0 से कम होगा, आइडियल सॉल्यूशन का क्या माना है डेल्टा एच मिक्सचर इज इक्वल टू दी 0 अगर सॉल्यूशन क्या हो आइडियल हो, और सॉल्यूशन अगर पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है तो डेल्टा एच मिक्सचर का मान क्या 0 से ज़्यादा होता है, यानी एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, पर यहाँ बात कर रहे हैं नेगेटिव डेविएशन की, तो यहाँ जो हीट चेंज है सॉल्यूशन का बनने के बाद मिक्सचर के बाद तो डेल्टा एच मिक्स का मान क्या है लेस देन 0, यानी ये प्रोसेस क्या होगा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, यानी इसमें हीट इवॉल्व होगी, और डेल्टा वी का मान जो है वो भी लेस देन 0 होगा, आइडियल कंडीशन में डेल्टा वी इज इक्वल टू द 0, और
व्हेन कोई सॉल्यूशन पॉजिटिव डिवीजन को शो करता है तो डेल्टा वी मिक्सर इज ग्रेटर देन जीरो, और जब नेगेटिव डिवीजन को शो करता है तो डेल्टा वी इज लेस देन जीरो। तो इस केस में जो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वह जो है प्योर कंपोनेंट के सॉल्यूशन से इसका वॉल्यूम का मान कम होता है। तो ये हम बात कर रहे थे आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, जब बिहेवियर क्या है उनका पॉजिटिव डेविएशन शो करे या नेगेटिव डेविएशन शो करता है। अब हम बात करेंगे टेम्परेचर वेपर प्रेशर फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कि जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो क्या करते हैं राउल्ट्स लॉ से डेविएशन को शो करते हैं और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को बनाते हैं। जो मिक्सचर बनता है जो दो कंपोनेंट प्योर कंपोनेंट ए और बी को मिलाने पर जो मिक्सचर बनता है वो मिक्सचर कहलाता है एजियोट्रॉपिक। अब ऐसे जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है इनके कंपोनेंट्स को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो ये मिक्सचर ऐसे मिक्सचर जो कि प्योर केमिकल कंपाउंड होते हैं और एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल होते हैं, और इनको डिस्टिल जो है एक सेम टेम्परेचर पर ही डिस्टिल किया जा सकता है बिना कंपोजिशन के परिवर्तन के। ऐसे विलयन जो है या ऐसे मिक्सचर जो है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहलाते हैं। यह हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को डिफाइन कर सकते हैं द मिक्सचर्स विच लाइक प्योर केमिकल कंपाउंड बॉयल एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड डिस्टिल और कंप्लीटली एट द सेम टेम्परेचर विदाउट चेंज इन द कंपोजिशन आर नॉन एज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, या हम उसको कहते हैं कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। अब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर दो तरह के हो सकते हैं, फर्स्ट मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एंड सेकेंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो हम इन दोनों को अलग अलग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो ऐसे सॉल्यूशन जो कि क्या करते हैं राउल्ट्स नियम के जो पॉजिटिव डेविएशन को शो करते हैं वह मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप को बनाते हैं। अभी हमने बात की थी दोनों रॉड्स नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, जो रॉड्स नेम से पॉजिटिव डिवीजन को शो करते हैं और एक क्या करते हैं नेगेटिव डिवीजन को शो करते हैं। जहाँ पॉजिटिव डिवीजन को शो करते हैं ऐसे जो मिक्सचर होते हैं वो बनाते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप को बनाते हैं। इसको हम इस तरह जो है ग्राफ इसको फिगर से समझ सकते हैं कि जो है इस फिगर में जो 4.19 फिगर आप देख रहे हैं ये टेम्परेचर कंपोजिशन कर्व है, और इसमें जो एम पॉइंट है ये आप सेंटर में एम पॉइंट देख रहे हैं, एम पॉइंट जो है शो करता है वाई कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। नीचे आप वाई दिख रहे हैं आपको, वाई कंपोजिशन ऑफ वेपर एंड मिनिमम टेम्परेचर टी ए को शो करता है। एम पे देखिए टेम्परेचर टी ए है और कंपोजिशन जो है वो वाई है। अब देखते हैं कि सपोज इसमें जो सॉल्यूशन है सॉल्यूशन ऑफ जेड कंपोजिशन, स्टार्टिंग में आप देखते हैं जहाँ ये जेड कंपोजिशन है इज हीटेड एंड इट बॉयल एट द टी जेड टेम्परेचर। इसको हमने गर्म किया है जेड कंपोजिशन को, इसको टी जेड टेम्परेचर तक हमने इसको क्या किया है बॉयल किया है। तो जेड डैश आप नेक्स्ट देख रहे हैं, जेड डैश इज द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज एट टेम्परेचर टी जेड। ठीक है, इस पे जो जेड डैश है वो क्या है वेपर फेज है टेम्परेचर टी जेड पे है। और यहाँ वेपर आप इसमें देखते हैं इसमें जो वेपर विल हैव द मोर परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट बी। जैसे जैसे यहाँ स्टार्टिंग में एक्स ए का मान 1 है बी का मान 0 है, तो जैसे जैसे हम जेड से जेड डैश कंपोजिशन की तरफ बढ़ रहे हैं तो इसमें जो परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट बी का मान यानी वेपर ऑफ बी विल बी इंक्रीजेस। When the same process of repeated vapor will become richer and richer in B. इस process को अगर हम repeat करते रहें आगे बढ़ाते रहें गर्म करते रहें तो क्या होगा जो vapor का मान है वह क्या हो जाएगा vapor में B component का मान लगातार बढ़ता जाएगा, और इसमें जो है solution का जो composition है Y है since but it will be always be a campaign by a solution of composition y. मैंने पहले बताया था y composition यहाँ तक आ जाता है। Since its boiling point of minimum in all
कंपोजिशन। वाइप आप देखिए, इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे मिनिमम है, टी ए सबसे कम है, इसलिए यहाँ हम देखते हैं बी को हम कंप्लीटली सेपरेट नहीं कर सकते हैं पेपर फेज में कंप्लीटली। इसको यहाँ बी का मान मैक्सिमम है इस जगह, परंतु यहाँ पेपर में जो बी है इसका मान अधिकतम है, परंतु इसमें टोटल इसको बी को हम वेपर फेज में कंप्लीटली सेपरेट नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली इसी तरह से परसेंटेज ऑफ ए विल बिकम मोर एंड मोर रेसिड्यू, विलिन में जो है ए का मान सबसे ज़्यादा है, परंतु यहाँ हम ए को भी कंप्लीटली सेपरेट नहीं कर सकते हैं। यानी बी में ए जहाँ एम पॉइंट आप देख रहे हैं, एजियोट्रोपिक मिक्सचर है, इसमें वेपर्स में सबसे अधिकतम मान क्या है, जो कंपोनेंट है बी का मान है, और जो रेसिड्यू है यानी सॉल्यूशन है उसमें कौन है, ए कंपोनेंट है, परंतु हम इन दोनों को कंप्लीटली हम यहाँ सेपरेट नहीं कर सकते हैं। और इसको हम समझ सकते हैं एग्जांपल वाटर इथेनॉल सिस्टम से। वाटर इथेनॉल सिस्टम क्या है, ये जो है इज द एग्जांपल ऑफ द मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। इस मिक्सचर में क्या है, इन द मिक्सचर परसेंटेज ऑफ इथेनॉल इज 95.6, ठीक है, एंड मिक्सचर बॉयल एट 78.13। एम पॉइंट है यहाँ मिक्सचर जो बॉयल होता है वाटर इथेनॉल में, इस एम पॉइंट को आप देख रहे हैं 78.13 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। यहाँ हम देखते हैं कि प्योर इथेनॉल को हम डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तो इस डिफिकल्टी को जो जो डिफिकल्टी है, क्योंकि हम प्योर इथेनॉल को हम यहाँ नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो इसलिए डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए हम इसमें ऐड कर देते हैं बेंजीन को। बेंजीन मिक्सचर ऐड करने पर इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है, और इसमें वाटर और इथेनॉल को हम फिर क्या कर सकते हैं, डिस्टिलेशन द्वारा सेपरेट किया जा सकता है। तो ये जो था मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट वाले एजियोट्रॉप की बात की थी, अब हम बात करेंगे दूसरे मैक्सिमम एसियो बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप की बात करेंगे। द सॉल्यूशंस विच शो द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ, वह विलयन जो कि राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डिवीशन को शो करते हैं, ऐसे मिक्सचर जो बनाते हैं वो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप वाले मिक्सचर को बनाते हैं। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें अकॉर्डिंग टू फिगर 4.20, ये टेम्परेचर कंपोजिशन ऑफ इस मिक्सचर को शो करता है। दिस इज द टेम्परेचर कंपोजिशन कर्व फॉर द मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। यहाँ भी हम देख रहे हैं एम पॉइंट को आप देख रहे हैं, यहाँ भी एम पॉइंट है, ये जो है एम पॉइंट जो है वो शो कर रहा है वेपर ऑफ कंपोजिशन वाई, ठीक है, वाई को आप देख रहे हैं। दिस पॉइंट शोज द कंपोजिशन ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर एंड कोरस्पोंडिंग द टेम्परेचर टी ए, टी ए के बराबर है जो कि बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। सपोज ए सॉल्यूशन ऑफ कंपोजिशन जेड, जेड इज दिख रहा है आपको, जेड इज हीटेड विच बॉइल्स एट टी जेड एंड वेपर फेजर, वेपर फेज हैज हायर परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट ए। यहाँ जो इसमें हम देखिए उल्टा है, जो वेपर प्रेशर जो वेपर फेज है उसमें कंपोनेंट ए इसमें ज़्यादा है, इट मींस जो लिक्विड है वो क्या है, कंडेंस लिक्विड विल बिकम रिचर एंड रिचर इन दी ए, बट रेसिड्यू विल ऑलवेज बी एकम्पेनीड बाय द बी सिंस इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज हायर इन ऑल कंपोजिशन। यहाँ भी हम देखते हैं कि इस तरह एम पॉइंट पर यहाँ क्या है, ये इसमें वेपर फेज में ए है और बाकी जो सॉल्यूशन है उसमें क्या है, बी है, रेसिड्यू में बी है, परंतु दोनों को हम यहाँ जो हायर बॉइलिंग पॉइंट है इस पर दोनों पे दोनों को हम सेपरेटली इसको अलग नहीं कर सकते। वेपर फेज है जिसमें कंपोनेंट ए मैक्सिमम है, रेसिड्यू में बी ज़्यादा है, बट दोनों को हम यहाँ क्या है सेपरेटली इसको क्या कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं, डिस्टिलेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसमें क्या है, प्योर कंपोनेंट प्योर जो बी है या ए को यहाँ सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है। इसको हम समझ सकते हैं एससीएल और वाटर सिस्टम से। एससीएल वाटर सिस्टम क्या है, इस द एग्जांपल ऑफ द मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। इनका जो मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये है 108.5 डिग्री सेंटीग्रेड, इस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एससीएल वाटर सिस्टम विच इज हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बोथ इंडिविजुअल कंपोनेंट, जो कि पानी और एससीएल दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से
मान ज्यादा है 108.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको हम इसको भी क्या करते हैं, इसको सेपरेटली इसको करते हैं, दोनों को अलग अलग डिस्टिलेशन करना पॉसिबल नहीं होता है। तो इट इज द ओवर द टेम्परेचर कंपोजिशन फॉर मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप एंड द मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप।